ट्रस की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए हमें जनरल फॉर्मूले पे जाना पड़ता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के, जो कि है डी एस इज इक्वल टू अननोन फोर्सेस प्लस रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अननोन फोर्सेस हमें मिलती है मेंबर्स से, रिएक्शंस नहीं मिलती है सपोर्ट से। अननोन फोर्सेस देखते हैं, ट्रस के किसी भी मेंबर पे या तो टेंशन होती है या कंप्रेशन होती है, ठीक है। तो एक मेंबर एक फोर्स, दो मेंबर दो फोर्स, अगर एम मेंबर्स हुए टोटल ट्रस में तो एम फोर्सेस, तो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे एम। प्लस रिएक्शंस, हम सपोर्ट पे जाना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पे आएंगी तो उतने हम रिएक्शंस यहाँ पे आर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ट्रस में प्लेनर कंडीशन अगर जो है कि मतलब एक प्लेन पे है अगर जो ट्रस, 3D में नहीं है 2D में है, तो उसके लिए दो किसी भी जॉइंट के लिए हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। या तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं हम, या फिर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो हर जॉइंट के लिए दो इक्वेशन, दो जॉइंट के लिए चार इक्वेशन, ऐसे जे जॉइंट अगर जो हुए इसके अंदर टोटल, तो इक्वेशन होंगी 2J। तो हमारे पास DS की इक्वेशन आ जाती है एम प्लस आर माइनस 2J, ठीक है। ऐसे ही अगर जो हम इसको स्पेस में देखें, स्पेस इन द सेंस 3D के अंदर अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, तो अननोन फोर्सेस क्या होंगी, किसी भी मेंबर है, किसी भी मेंबर के अंदर, एक मेंबर के अंदर या तो टेंशन होगी या कंप्रेशन होगी। सिमिलरली एम मेंबर्स हुए तो एम फोर्सेस प्लस रिएक्शंस, रिएक्शंस हमारे पास जितनी भी होंगी सपोर्ट पे उतनी रिएक्शंस, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब किसी भी जॉइंट पे हम देखते हैं ट्रस की सोल्व करने के लिए, तो तीन ही होती है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड एफ जेड इक्वल टू जीरो। ये एक नई ऐड हो जाती है 3D केस में। तो एम प्लस आर माइनस, तो किसी भी जॉइंट पे दो हैं तो टोटल जॉइंट्स जितने भी होंगे तो 2J, सॉरी किसी भी जॉइंट पे 3 है स्पेस की कंडीशन में, तो अगर J जॉइंट्स हुए तो 3J हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एम प्लस आर माइनस 2J, ये आ जाता है हमारे पास 2D कंडीशन में। DS आ जाता है एम प्लस आर माइनस 3J, ये आ जाता है हमारे पास 3D कंडीशन में। ट्रस की केस में हमारे पास एक टर्म्स और आती हैं, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। तो इसे भी समझ लेते हैं जरा। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल हम समथिंग इज रिलेटेड टू सपोर्ट फोर्सेस एंड इंटरनल रिलेटेड टू मेंबर फोर्सेस। सो एक्सटर्नल हमेशा आर माइनस 3 होता है, ये ट्रस के केस में ही नहीं, सभी के केस में आर माइनस 3 होता है। प्लेनर के केस में जितनी भी रिएक्शंस होती है माइनस 3 कर देते हैं, ठीक है, ये प्लेनर के केस में ये आर माइनस 3 होता है, ठीक है। तो हम DS, तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर कोई भी केस ले लेते हैं ट्रस का, ठीक है। तो जो इसकी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो तो आर माइनस 3 हो जाएंगी, ठीक है। DS हमने पीछे निकाल चुके प्लेयर में, प्लेनर केस में m प्लस आर माइनस 2J, ठीक है। तो हम यहाँ से DS इंटरनल निकाल सकते हैं, कैसे, तो DS इंटरनल इज इक्वल टू r से r कैंसिल आउट, m माइनस 2J माइनस 3। तो हमारे पास DS इंटरनल का फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल का हमें पता है r माइनस 3, एस हम निकाल चुके थे, इंटरनल भी हम निकाल चुके हैं अब, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 2001 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें DS निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है एम प्लस आर माइनस 2J, ठीक है। इसके मेंबर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसके अंदर मेंबर है। प्लस रिएक्शंस कितनी है इसकी, 1, 2, 3, 4, दोनों ही सपोर्ट है इसलिए 4। माइनस ट्वाइस ऑफ J, जॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, तो 20 + 4 - 20 = 4, यहाँ पे 4। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे देते हैं तो साइक्सर मेंबर्स काउंट करने में टाइम लगता है। तो कभी भी अगर स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है ट्रस में, ठीक है, सपोर्ट अभी भूल जाते हैं, अगर सब ये दे रखा है तो इसकी इंडिटरमिनेसी जीरो होती है, ठीक है। अगर एक एक भी एक्स्ट्रा ब्रेस मेंबर आ गया है यहाँ पे, तो इसकी डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी वन हो जाती है। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ये स्क्वायर बन रखा है और डबल डायगनल आ गए हैं, तो इसकी 1, 1, 1, ठीक है। अब सपोर्ट पे देख लेते हैं, सपोर्ट में चार हैं, ठीक है, तो चार ये हो गई इंटरनल।
ठीक है, एक्सटर्नल देखें तो सपोर्ट की निकालने के लिए जो कि एक्सटर्नल है, ये हमने इंटरनल निकाल दी, 1 2 3 ये हमने निकाली डी एस इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए आर माइनस थ्री, रिएक्शन कितनी है 1 2 3 4, 4 माइनस 3 इजिकल टू 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और यहाँ पे आ गई 1 4, जो कि हमारा मैच हो गया इससे आंसर। मतलब अब कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसके अंदर हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इसकी इंटरमिनेंसी 1 है, तो जितने भी होंगे वो सब काउंट कर लेंगे, प्लस सपोर्ट की रिएक्शन तो हम सिंपल सिंपली सपोर्टेड की तरह ही निकाल सकते हैं। जैसे ये होता है तो इसके अंदर रिएक्शन देखते हैं हम 1 2 3 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 0, अगर दोनों साइड हिंज हो जाता है तो 1, ठीक है, तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि दोनों साइड अगर जो हिंज है तो 1 होगी इंडिटर्मिनेसी, और इस वाले केस में भी 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन इसके अंदर पहले मेंबर गिन लेते हैं, मैंने काउंट करके रखे हैं 10 है मेंबर, ठीक है। रिएक्शंस देखते हैं इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, तो रिएक्शंस हैं इसके अंदर 4, ठीक है। जॉइंट्स देख लेते हैं 1 2 3 4 5, जॉइंट्स हैं इसके अंदर 5, तो एम फॉर्मूला लगाते हैं एम प्लस आर माइनस 2j, ठीक है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मेंशन था। तो 10 प्लस रिएक्शन 4 माइनस 2 इंटू जॉइंट 5, तो इसका आंसर आ जाता है 4, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक से जो हमने बताया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी ये मेंबर होंगे उसकी इंडिटर्मिनेसी 1 होगी, तो 1 2 3, 3 हो गए इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए देखेंगे 1 2 3 4, जब भी दो हिंज होते हैं तो इंडिटर्मिनेसी 1 होती है, पता है हमें, वैसे भी देख लेते हैं रिएक्शन कितनी है 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 1, 3 प्लस 1 इजिकल टू 4। बाकी हम इसको फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं एम प्लस आर माइनस 2j, ठीक है। मेंबर मैंने काउंट करके रखे हैं इसके अंदर 18 प्लस रिएक्शन कितनी है 4 माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 18 18 4, बी आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से देखेंगे इसके अंदर, वापस से इसको ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ये स्क्वायर बन गया तो हो गया 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेसी इसकी 1 नहीं होगी, ठीक है, लेकिन हाँ दोनों हिंज हैं तो इसकी भी 1 होगी, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हो गई 2, ठीक है। फॉर्मूले से करते हैं इसको एम प्लस आर माइनस 2j, ठीक है। मेंबर काउंट करके रखे हैं फिर से मैंने, मेंबर हैं 12 प्लस रिएक्शंस कितनी है 1 2 3 4 माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, 12 प्लस 4 माइनस 14 एंड इट इज़ 2, आंसर इज 2। हमने उससे चेक किया था तब भी 2 ही आया था। पिछली वीडियो में फ्रेम में हमने शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व किया था, ठीक है, इस बार हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के लिए वापस हमें जनरल जो इसकी डिटर्मिनेसी की डेफिनेशन होता है उस पे जाना पड़ेगा, जो कि हमेशा सेम होती है, मेंबर फोर्सेस प्लस रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फ्रेम के केस में एक नई चीज़ और ऐड होती है जो कि अभी देखते हैं, ठीक है। मेंबर फोर्सेस देखते हैं फिर से, फ्रेम के केस में किसी भी मेंबर को जब हम कट करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर 3 फोर्सेज होती है, ठीक है, FX FY FZ, ठीक है, या फिर शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स, हमेशा 3 फोर्सेस होती है। तो एक मेंबर में 3 है, तो अगर इसके टोटल m मेंबर्स हुए तो फोर्सेस होंगी 3m, प्लस रिएक्शंस जितनी भी इसके अंदर होंगी r, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फ्रेम के केस में 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है हर जॉइंट पे, ये प्लेनर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सिग्मा fx, सिग्मा fy एंड m इज इक्वल टू 0, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इजगल टू 0 एंड m इजगल टू 0, तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, ठीक है, हर जॉइंट पे, जितने भी जॉइंट होते हैं हर जॉइंट पे 3 होती है, ठीक है। तो जितने भी जॉइंट्स होंगे, अगर जो एक जॉइंट है तो 3, और j जॉइंट्स हैं अगर जो, तो 3j इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगी, ठीक है। माइनस बात करते हैं m माइनस 1 की, ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक में जब हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे हिंज है, कोई पॉइंट पे हिंज है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिजिड स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसको देखते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर मतलब जितने भी इसके जॉइंट्स होते हैं उन सबको हमें रिजिड बनाना होता है। तो इस हिंज को हमें रिजिड बनाने के लिए सिर्फ एक मोमेंट लगाना पड़ेगा, उससे रिजिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 है। अगर इसको हम एक फॉर्मूले की तरह देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर दो मेंबर मिल रहे हैं तो हमें एक रिएक्शन चाहिए होगी, ठीक है। तो अगर जो दो मेंबर मिल
तो एक रिएक्शन चाहिए होगी, तो हम इसको सोच सकते हैं एम माइनस वन रिएक्शंस की हमें हमेशा रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एम माइनस वन। ठीक है, अगर यही यही केस स्पेस के कंडीशन में देखा जाए तो हर मेंबर में जो फोर्सेस होती है वो छः होती है स्पेस के कंडीशन में। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड और तीनों मोमेंट, जैसे एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। ठीक है, ये तीन हो गई मोमेंट भी, एक दो और तीसरा ऐसे टोर्जन टाइप। ठीक है, तो इसमें छः छः कंडीशंस होती है, तो एक मेंबर में छः हैं, तो अगर एम मेंबर हुए तो इसके अंदर 6 × m हो जाएंगे, प्लस रिएक्शंस इसके अंदर जितनी भी आए माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? छह ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, हर जॉइंट पे छह इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, तो जितने जॉइंट होंगे तो 6j माइनस। अब इसको थोड़ा समझते हैं, वापस से हमें हिंज को रिजिड बनाना है। अब ये स्पेस में है इस टाइप से, ठीक है, तो अब इस केस में ये ऐसे नीचे की साइड भी गिर सकता है, ये उधर भी गिर जा सकता है और ये अपने एक्सिस पे भी घूम सकता है। ठीक है, तो हर जॉइंट पे तीन हमें रिएक्शंस देनी पड़ेगी ताकि ये स्टेबल रहे। ठीक है, तो हर जॉइंट पे तीन रिएक्शंस देनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो मेंबर मिल रहे हैं, दो मेंबर मिल रहे हैं तो हमें तीन रिएक्शंस देनी पड़ेंगी, तो इसलिए हम बना सकते हैं ऐसा कुछ फॉर्मूला कि अगर दो मेंबर मिल रहे हैं, अगर m मेंबर मिलेंगे तो m माइनस वन इंटू थ्री रिएक्शन हमें देनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये दोनों जनरल फॉर्मूले डेराइव हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रस की केस में, प्लेन ट्रस की केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m प्लस आर माइनस 2j। स्पेस ट्रस के उसमें हमारे पास फॉर्मूला बनता है m प्लस आर माइनस 3j। ठीक है, फ्रेम की बात करते हैं, प्लेन फ्रेम में हमारे पास फॉर्मूला बनता है हर मेंबर में थ्री होती हैं प्लस रिएक्शन माइनस, हर जॉइंट पे भी तीन होते हैं। ठीक है, माइनस ये जो एम माइनस वन हम अलग से निकालते हैं, और स्पेस फ्रेम में हमारे पास बनता है हर हर मेंबर में छः होते हैं, तो छः मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस, हर जॉइंट पे सिक्स रिएक्शन, वो सिक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, माइनस थ्री एम माइनस वन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिक से भी करेंगे और फॉर्मूले से भी करेंगे। ट्रिक हमें बताया है कि हम जब भी होता है एक इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको बनाते हैं रिजिड। ठीक है, इसको ताकि कैंटिलीवर की तरह इसको बनाते हैं ताकि हिले ना, तो जब हम इसको कट करते हैं तो 3 × नंबर ऑफ कट माइनस कितनी रिएक्शंस इसको लगेंगी रिजिड बनाने में, ये अगर जो ऐसे होगा तो ये गिर जाएगा ऐसे, तो इसको हमें सिर्फ एक रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस वन, तो इसका आंसर आ जाता है 2। फॉर्मूले पे जाते हैं, तो फॉर्मूला बनाने के लिए 3m प्लस आर माइनस 3j। ठीक है, हर मेंबर में थ्री, हर जॉइंट पे भी तीन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मेंबर कितने हैं, 1, 2, 3 प्लस रिएक्शंस, रिएक्शंस कितनी है इसके अंदर, 1, 2, 1, 2, 3, तो रिएक्शन हो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, ये फिक्स्ड है इसलिए यहाँ पे मोमेंट भी आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव माइनस थ्री टाइम्स, जॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 9 + 5 − 12, ठीक है, ये आ जाता है 2, 9 14 − 12 = 2। तो हमारा मैच हो रहा है ट्रिक से भी और फॉर्मूले से भी जो हमने डिराइव किया अभी। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन। इसके अंदर वापस से वही दो कट लगेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो 3 × 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हिंज है तो ये एक इसे रोकना पड़ेगा और इसको भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो दो की जरूरत पड़ेगी, रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे जरूरत पड़ी, तो 6 − 3 3। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, फॉर्मूला वापस से 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस m माइनस 1। ठीक है, थ्री टाइम्स मेंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस रिएक्शंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 रिएक्शन है इसके अंदर, माइनस थ्री टाइम्स जॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस m माइनस 1। हिंज पे कितने मेंबर लगे हुए हैं, 1, 2, 3 थ्री मेंबर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो 3 − 1 2, तो 6 × 3 = 18 प्लस 5 − 18 − 2, 18 से 18 गया, 5 − 2 = 3। तो हमने देख लिया ट्रिक से भी हमारा आंसर सही आया और फॉर्मूले से भी आंसर हमारा सही आया। ठीक है, थैंक यू।